डेफिनेटली आपको मैं सब कुछ दिखाती हूँ, तो हर एक चीज शेयर करना मतलब जरूरी है आप लोगों के साथ। संडे है और इवनिंग को अभी 4:30 हो रहा है और पूरा जो बारिश है, मस्त वाला बारिश शुरू हो गया है। बस संडे है और क्या, बाहर कहीं मत जाओ, मस्त से पकौड़ा बनाओ और बारिश के साथ एक मूवी एंजॉय करो। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मस्त जोर शोर से बारिश हो रही है, मतलब उस तरफ कुछ धुंधला ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज ये महात्मा किचन में क्या कर रहे हैं, इनको आज मन हुआ कि ऑल ऑफ सडन क्या बनाते हैं, ये कुछ हमारा लाइक स्ट्रीट फूड जैसा होता है, प्याजी, राइट? प्याजी बोल दो, पकोड़ी बोल दो। पकोड़ी तो नहीं है, वो तो ऐसा नहीं बनता है पकोड़ी। रुक जा, नहीं ये हो गया है, रुक जा, और भी होगा, अंदर होगा थोड़ा सा। बस ज्यादा मत डालना, उतना ही डालो। तो आज का उसके बाद पकोड़ी। तो आज का शेफ कौन है? मिस्टर चिरंजीव है आज। तो देखते हैं आज मतलब खाने में क्या मिलता है, नमक है या हल्दी है क्या है उसमें पता नहीं है। आज इन्होंने बनाया है, मेरा कोई रिस्क नहीं और जिसकी चलते किचन पूरा भी मश हो चुकी है। I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. Hello everyone, good evening and welcome back to my channel. नहीं सॉरी, आवर चैनल, अभी पिंकू फिर से बोलेंगे। आज ही मुझे बोल रहे हैं क्या, तुम हमेशा माय चैनल बोलते हो, तो सब मतलब आवर चैनल बोलते हैं और तुम भी मतलब जितना भी फैमिली ब्लॉगर है मोस्टली, तो वी आर एज ए फैमिली ब्लॉगर, राइट? सौम्यास लाइफ आपका नाम है, लेकिन आपके लाइफ के अंदर कौन है? हु इज योर लाइफ? यू आर ओनली द पर्सन की तुम्हारे वो तुम ही तुम्हारा लाइफ हो, मैं नहीं हूँ तुम्हारा लाइफ में। ठीक है चलो, आज तुम्हारा ही चैनल, छोड़ दो फिर। ओके, आई एम द पार्ट ऑफ द ओके। तो आज इवनिंग मतलब पिंकू ने जैसे कि आपने देखा स्पेशल वाला पकौड़ी बनाया, थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत मतलब ओवर फ्राइड हो गया है कुछ आदि, क्योंकि उनको पता नहीं है, बट उन्होंने पहली बार शायद शादी के बाद बनाया है तो इसीलिए अप्रिशिएट है। आउट ऑफ टेन टेस्ट थोड़ा मैंने बोला ना ओवर फ्राइड हो गया, वरना बहुत अच्छा बना था। जो मतलब जो वाला येलो है वो वाला बहुत टेस्टी है, उसको मैं आउट ऑफ 10 9 दे सकती हूँ, बट ये वाला थोड़ा जो ओवर फ्राइड हो गया ना, थोड़ा मतलब कड़वा जस्ट थोड़ा लग रहा है, अदरवाइज इट्स गुड। बट चाय मैंने बनाया है तो बस, और आज की शाम की मतलब बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम हम चाय और पकौड़ी साथ पे खा रहे हैं। आप बोलो, आपको कैसा लग रहा है खुद का हाथों का मतलब पकौड़ी? ठीक ठाक है, फर्स्ट टाइम बनाया हूँ तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक ठाक है। तुम रिव्यू अच्छे से दे सकते हो, मैंने तो दे दिया, लेकिन हमेशा वो खाना बनाती है तो उसको ज्यादा आइडिया होगी। तो एक्चुअली मैं खाना मतलब पकौड़ी वगैरह कुछ नहीं बनाता हूँ, आज पहली टाइम गया था किचन को पकौड़ी बनाने के लिए, सच बोलूँ तो, क्योंकि मैडम एडिटिंग वगैरह कर रही थी तो उनको वहां से मैं ऑफिस का काम कर रहा था तो बोल रही कि मेरे को थोड़ा पकौड़ी खाने के लिए मन कर रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा कि जाओ बनाओ कि कुछ, ठीक है एडिटिंग कर रही है उसके बैठ के आराम से। तो मैं खुद गया किचन को, मैं बोला पकौड़ी बना दो, फिर पकौड़ी बनाया। तो आप बोल सकते हो कि कैसा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है। हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ चीज मतलब कड़वा लग रहा है, जो कि आप देख सकते हो ये ब्लैक जो हो गया है, थोड़ा सा बट ठीक है, चाय के साथ पीने में ठीक है, खा सकते हैं। और चाय तो एक ग्लास हमेशा, आपको पता है सौम्यास का चाय कैसा है, चाय मतलब पकौड़ी क्रिस्पी है बहुत ज्यादा, आप मेरी आवाज सुन के जान सकते हैं। गाइस आप लोग भी थोड़ा थोड़ा चाय पी लो। और गाइस और एक चीज मतलब आज मैंने जब आप लोगों का कमेंट देखा तो फिर अच्छा लगता है। तो किसी ने ये पूछा है कि मतलब मैंने वो मतलब मैं बोली थी कि लास्ट जो लास्ट टू लास्ट ब्लॉग पे जो लास्ट ब्लॉग गया है उसका पहले वाले ब्लॉग पे कि मैं फ्राइडे को मतलब अपनी हेयर कट वगैरह कराने वाली हूँ, बट गाइस फ्राइडे में कोई भी वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि घर पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो मतलब उस दिन भी काम चल रहा था वही ग्राउटिंग्स वगैरह की, तो
इतना काम चला था और 5 लोग घर में आके काम कर रहे थे, 2 लोग बालकनी में, ये वाला बालकनी में 2 लोग, और वो बेडरूम वाला बालकनी में 2 लोग, एंड एक लोग यूटिलिटी में, और फिर और एक लोग बाथरूम में, मतलब लगभग 6-7 लोग काम कर रहे थे और पूरा जाना आना हो रहा था। तो मैं अगर बुलाती भी तो मैं कहाँ बैठ के, मतलब बेड और सोफा के अलावा, मतलब अगर मैं बीच में कहीं पे भी सैलून सर्विस लेना, ऑब्वियसली थोड़ा मैं अच्छे से लूंगी, और स्पेस चाहिए होता है, वो लोग जब आएंगे उन लोगों को भी, तो थोड़ा सा भी स्पेस नहीं था कहीं पे, मतलब उस स्टेज पे भी नहीं थी। घर पे काम चल रहा हो तो ये सब मतलब पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो देट्स वाई गाइज मैं नहीं ले पाई उस दिन, मैं कोई हेयर कट वगैरह नहीं करा पाई, इनफैक्ट मैं थ्रेडिंग तक नहीं करा पाई हूँ, मतलब मैं पूरा मेरा मूछ वगैरह आ गई है, तो उसी चलते बस। एंड साथ ही साथ ये मैं एक्सप्लेन करना भी भूल गई थी, एक्चुअली भूल जाती हूँ कि एक दिन अगर आप ब्लॉग कंटिन्यू ना करो ना तो कभी कभार मतलब याद नहीं रहता कि हाँ क्या एक्सप्लेन करना था, मैंने क्या बोला था लास्ट ब्लॉग पे, ऐसा हो जाता है। बट थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे याद दिलवाया, तो जो कि मुझे अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू देम कि जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं एंड हर एक बात मतलब प्रॉपरली सुनते हैं एंड फिर उसको लेके कमेंट करते हैं, तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट जिन्होंने भी कमेंट किया है एटलीस्ट उन्होंने व्लॉग मतलब अच्छे से सुना है या देखा भी है ध्यान से, तो एक बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंड थिंग गाइज, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा अभी जस्ट मैं बिजी रह रही हूँ क्योंकि कुछ आदि काम चल रहा है, मेरी नेटिव में मेरे पेरेंट्स की उन लोगों का घर बन रहा है, तो उस पर मैं थोड़ा सा बिजी थी क्योंकि जो प्लानिंग वगैरह है, जो डिजाइनिंग वगैरह है, तो मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि क्योंकि जिस तरह से मैं वहां पे रहने वाली नहीं हूँ, फिर भी जो लेटेस्ट स्टाइल है उसको अपग्रेड करते हुए जैसा भी डिजाइन वगैरह बनना चाहिए, जो सब रिक्वायरमेंट है अभी के टाइम को लेके, तो वो सब मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, तो उसी चलते मैं वहां पे थोड़ा बहुत अभी बिजी रह रही हूँ, तो इसीलिए मैं भी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार व्लॉग ना आए, इसीलिए मैं 3 दिन से कंटिन्यूअसली व्लॉग नहीं दे पा रही थी, एक दिन छोड़ के ऐसा दे रही थी। बट मैं ट्राई करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा, आगे शायद इतना इरेगुलर मैं नहीं रहूंगी क्योंकि अभी आई थिंक बहुत सब कुछ फिक्स हो गया है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स द रीजन। एंड जब मैं जाऊंगी ओडिशा अपनी नेटिव जाऊंगी, तो डेफिनेटली तब पता नहीं घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट होने वाला होगा, तब मैं जाऊंगी। बट जब जाऊंगी हाउस वार्मिंग में तो पक्का आपको मैं घर दिखाऊंगी, जो अभी तो मेरी मैं शायद वहां नहीं रह सकती, बट फिर भी वो मेरा घर है, मम्मी पापा का घर है, मतलब वो मेरा घर है। इसमें ऐसा मतलब नहीं है कि बेटी की शादी हो जाए तो फिर ससुराल ही उसका घर होता है, और जिन लोगों का ऐसा मानना है पर खैर मेरी तो नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा तो मेरे मम्मी पापा है, खैर वो हमेशा थे और रहेंगे भी, मैं चाहे उनके पास रहूं या ना रहूं, तो ये है बात। एंड जो मेरी गाइज व्लॉग है अभी ऑलमोस्ट मैं जैसे मेरा पुराना वाला टाइम था जैसे मैं पहले डाल रही थी 7:30 को वैसे ही डालूंगी, और आप लोग मोस्टली मैं 7 बजे डालने के लिए ट्राई करूंगी, अगर मैं लेट हो गई तो 7:30 को मैं पक्का डालूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना 7 बजे, एंड अगर 7 बजे नहीं आया तो 7:30 को फॉर श्योर। और अगर किसी दिन मैं लेट हो गई 8:30-9 बजे मैं व्लॉग डाल रही हूँ, देन आई विल अपडेट यू, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी, तो उसमें आई थिंक और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक क्योंकि काफी लोगों को अभी व्लॉग कंटिन्यूअसली नहीं जा रहे और मेरा टाइमिंग भी पहले से चेंज हो गया है, तो आई थिंक उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट अभी फिलहाल ये जो मैंने जैसे कि बोला अभी मेरा जो टाइमिंग है वो 7:30 रहेगा मोस्टली, मैं ट्राई करूंगी 7 बजे डालने के लिए, और अगर ना हो पाए तो 7:30 को मैं डालूंगी। तो बस एक सारी चीज इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना था क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी हो रही है मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी सिचुएशन पे हूँ, क्यों व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्या क्या क्या, और आप लोग सोचते रहोगे। तो डेफिनेटली आपको मैं सब कुछ दिखाती हूँ, तो हर एक चीज शेयर करना मतलब जरूरी है आप लोगों के साथ। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ,
और ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट, पोहा और उसके साथ चाय। पोहा मोस्टली मैं ऐसे चाय नहीं पीती हूँ, पर जब भी पोहा बनता है तो मैं चाय पोहा के साथ, पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज ना मतलब मिल्क भी नहीं था, खत्म हो गया था, फिर मतलब जो मिल्क पाउडर होता है अमूल्या का, उसी से मैंने चाय बनाया। वो ऑल्दो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी मुझे पोहा के साथ चाय के बिना अधूरा लगता है। अधूरा लगता है, अधूरा अधूरा, यस अधूरा अधूरा। अच्छा बनाया पोहा। बहुत दिन के बाद पोहा था ना। जो ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं तो उनको पता होगा कि हम लोग कितना पोहा और चाय खाते हैं ना। नहीं, वीकली एक बार ही तो बनाते हैं। बस बहुत दिन से नहीं देखे होंगे ना। हाँ, ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद हम ही खा रहे हैं शायद। 10 दिन 10 दिन 10 दिन। और कल क्या है? कल हमारा एक पूजा है। सब कुछ हो गया और आज ना बहुत अच्छा वाला एक धूप आया है, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब कपड़ा वगैरह साफ कर लूँ। बहुत अच्छी धूप आई मतलब यहाँ पे, मतलब बहुत हवा बहुत हवा, मतलब मैं अगर विंडो खोला रखूंगी ना सब उड़ के चला जाएगा। तो सॉरी विंडो भी नहीं, डोर, मतलब पूरा एक कटन चला ही जा रहा है बालकनी में। तो फिर भी मतलब आज ब्रेकफास्ट होने के बाद भी ना मैंने ये बेडशीट वगैरह में कुछ ठीक नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आपको मैं थोड़ा बहुत बिजी रह रही हूँ, तो फिर वही सुबह ना कुछ आदि फिर मतलब वो प्लान में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। फिर पिंकू और मैं दोनों ही मतलब हम इन्वॉल्व है उसमें, तो फिर हम दोनों को ही देखना पड़ा, फिर जो कर रहे हैं उनसे बात करना पड़ा, फिर पापा से बात करना पड़ा, ऐसे करते काफी टाइम भी चला जा रहा है। तो वही तो चले गए। साथ साथ ये जो व्लॉग है आज की मैं यही पेंड कर देती हूँ। कल ना हमारा एक पूजा भी है, तो उसके लिए देखते हैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करूंगी जो करना है। मतलब जो घर के बड़े बच्चे होते हैं उनका एक पूजा होता है अष्टमी, तो वो है, तो उसका मतलब देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं, उसका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करूंगी। तो चलिए फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्लॉगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ साथ आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, बाय।